तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है आहूजा की तरफ से आने वाले लाइन एरे के ऊपर। और ये लाइन एरे 500 वाट का लाइन एरे है। फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइस, एम्पलीफायर कितना कितना वाट का लगाना है, कैसे लगाना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आई होप आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसका मॉडल नंबर है आहूजा ALX6000 और ये एक 500 वाट का लाइन एरे है। आहूजा का एक और लाइन एरे के मॉडल भी आते हैं जो कि आहूजा का ALX11000, वो दूसरा मॉडल है। आज बात करेंगे 6000 की। तो इसका बात करूँ अगर RMS पावर की, तो इसका RMS पावर जैसे कि मैंने बताया है 500 वाट का RMS पावर है। टू वे लाइन एरे है ये, क्योंकि इसके अंदर एक स्पीकर है और एक HF है, ठीक है। बात करूँ अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो 55 हर्ट्ज से लेकर 20000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा। बात करूँ अगर इसके अंदर स्पीकर कितना इंचेस का है, तो उसका स्पीकर जो है 12 इंची का एक स्पीकर है और एक HF ड्राइवर इसके अंदर यूज़ किया गया है। बात करूँ अगर इसके इम्पीडेंस की, तो ये 8 ओम्स इम्पीडेंस का है। जैसे कि स्पीकर ओम्स के ऊपर चलता है, ये भी ओम्स के ऊपर ही चलता है। और ये लाइनर आप कहीं पर भी घुमा सकते हो, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप इसको घुमा सकते हो, वो भी इसके स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो आप इसका पूरा स्पेसिफिकेशन लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, मैंने दे दिया है। कुछ भी अगर आपको जानना है तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। बात करूँ यहाँ पर अगर एम्पलीफायर कितना वाट का लगाना है, तो चलिए वो भी आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मान लो आपके पास अगर ऐसे चार लाइनर है, स्टेज के एक साइड में दो लाइनर है, स्टेज के दूसरे साइड में ऐसे दो लाइनर आपने अगर लगाया है, तो आपका वाटेज कितना हो रहा है और एम्पलीफायर आपको कैसे लगाना है क्लियर कर देता हूँ। तो आपका एक साइड में हो रहा है 1000 वाट, क्योंकि एक एक लाइनर 500 वाट के हैं, तो एक साइड में हो रहा है 1000 वाट, दूसरे साइड में 1000 वाट, ठीक है। दो लाइनर को आपको पैरेलल में कनेक्शन करना है, तो आपका 1000 वाट हो रहा है 4 ओम्स के ऊपर, क्योंकि एक एक लाइनर 8 ओम्स का है, तो 4 ओम्स में 1000 वाट हो रहा है। तो आपको एम्पलीफायर भी वैसे ही लेना है जैसे आपको टॉप के लिए एम्पलीफायर लेना होता है। आहूजा का ALX3200 एम्पलीफायर जैसे कि आता है, उसमें आपको 4 ओम्स में 1100 वाट आउटपुट मिलता है। तो वो वाला एम्पलीफायर आप ले लीजिए। एक चैनल पर आप दो लाइनर लगा दीजिए, दूसरे चैनल पर और दो लाइनर लगा दीजिए, हो गया आपका कनेक्शन। ऐसे आप दो लाइनर आराम से चला सकते हैं, एक चैनल पर टोटल 4 लाइनर आप ऐसे चला सकते हो। तो अभी मान लेते हैं आपने अगर 4-4 करके टोटल 8 लाइनर ऐसे इंस्टॉल किया है स्टेज के ऊपर, तो आपको कैसे कनेक्शन करना है। तो आपका यहाँ पर वैसे ही देख लीजिए लोड कितना हो रहा है। 500 वाट करके एक एक लाइनर है, तो एक साइड में हो रहा है 2000 वाट, दूसरे साइड में हो रहा है 2000 वाट, ठीक है। इसको भी वैसे ही पैरेलल में कनेक्शन कर लेना है, और एक एक लाइनर 8 ओम्स का है, तो 4 लाइनर को पैरेलल में कनेक्शन कर लेंगे तो 2 ओम्स हो जाएगा। तो 2 ओम्स में लोड हो रहा है 2000 वाट, दूसरे साइड में भी 2 ओम्स में लोड हो रहा है 2000 वाट। तो एम्पलीफायर आपको वैसा लेना है जिसमें आपको 2 ओम्स में 2000 वाट आउटपुट मिलता है, वैसा आपको एम्पलीफायर लेना है। लेकिन आहूजा में तो ऐसा एम्पलीफायर नहीं है, आप दूसरा कंपनी का भी 4000 वाट का एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको एक चैनल पर 2000 वाट का आउटपुट मिलता हो, ठीक है। तो वैसा आप एक चैनल में 4 लाइनर लगा दीजिए, दूसरे चैनल में और 4 लाइनर लगा दीजिए, आपका वैसे कनेक्शन हो जाएगा। और लाइनर के पीछे ही 2 स्पीकॉन के पोर्ट रहते हैं, वैसे आप पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हो, एक में इनपुट करके बाकी 3 में आप वैसे ही आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करें अगर आहूजा के ALX6000 लाइनर के प्राइस, तो इसका प्राइस है 40000 रुपये। एक पीस का प्राइस है 40000 रुपये। और वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। कनेक्शन से लेकर पूरा लाइनर के प्राइस तक मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, आई होप आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके रखियो, क्योंकि मैं ऐसे डिजिटल वीडियोस हर दिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाइए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।